नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाना पाटेकर की फिल्म जर्नी के बारे में। दोस्तों नाना पाटेकर का पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 में मारूद जंजीरा महाराष्ट्र में हुआ था। नाना पाटेकर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, आइए जाने उनकी फिल्म जर्नी के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नाना पाटेकर की पहली फिल्म 1978 में आई थी। फिल्म का नाम था गमन। इसे मुजफ्फर अली ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। नाना पाटेकर की अगली फिल्म 1979 में आई थी। फिल्म का नाम था सिंहासन। इसे जब्बर पटेल ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। नाना पाटेकर की अगली फिल्म 1980 में आई थी। फिल्म का नाम था भालू। इसे राजदत्त ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी। फिल्म का नाम था रघु मैना। इसको राजदत्त ने ही डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1983 में आई थी। फिल्म का नाम था सावित्री। इसको मुजफ्फर अली ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1984 में आई थी। फिल्म का नाम था आज की आवाज़। इसे रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म भी 1984 में आई थी। फिल्म का नाम था गिद्ध। इसको TS रंगा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 1986 में आई थी। फिल्म का नाम था अंकुश। इसको N चंद्रा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 1986 में आई थी। फिल्म का नाम था सूत्रधार। इसको चंद्रकांत जोशी ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1986 में आई थी। फिल्म का नाम था मोहरे। इसको रघुवीर कुल ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1987 में आई थी। फिल्म का नाम था अंदाजुद। इसको रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म हिट थी। अगली फिल्म भी 1987 में आई थी। फिल्म का नाम था प्रतिघाट। इसको N चंद्रा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म हिट थी। अगली फिल्म भी 1987 में ही आई थी। फिल्म का नाम था आवाम। इसको BR चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 1988 में आई थी। फिल्म का नाम था त्रिश अग्नि। इसको नवेंदु घोष ने डायरेक्ट किया था और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 1988 में ही आई थी। फिल्म का नाम था सागर संगम। इसको दुलाल गुहा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 1988 में ही आई थी। फिल्म का नाम था सलाम बम्बई। इसको मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी। फिल्म का नाम था परिंदा। इसको विद्यु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म भी 1990 में ही आई थी। फिल्म का नाम था थोड़ा सा रोमानी हो जाए। फिल्म को अमोल पालेकर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी। फिल्म का नाम था प्रहार। इसको नाना पाटेकर ने खुद डायरेक्ट किया था और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म भी 1991 में आई थी। फिल्म का नाम था दीक्षा। इसको अरुण कौल ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1992 में आई थी। फिल्म का नाम था दिशा। इसको साई प्रांजपे ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म भी 1992 में आई थी। फिल्म का नाम था राजू बन गया जेंटलमैन। इसको विद्यु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म भी 1992 में आई थी। फिल्म का नाम था अंगार। इसके डायरेक्टर थे शशि लाल के नायर। ये फिल्म हिट थी। अगली फिल्म भी 1992 में आई थी। फिल्म का नाम था तिरंगा। इसके निर्देशक थे मेहुल कुमार। ये फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी। फिल्म का नाम था क्रांतिवीर। इसके निर्देशक मेहुल कुमार थे और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 1994 में ही आई थी। फिल्म का नाम था अभय। इसको अनु कपूर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1995 में आई थी। फिल्म का नाम था हम दोनों। इस फिल्म के डायरेक्टर रवि ईमानदार थे और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी। फिल्म का नाम था अग्नि साक्षी। इस फिल्म के डायरेक्टर पार्थ घोष थे और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म भी 1996 में आई थी। फिल्म का नाम था खामोशी। इस फिल्म के निर्देशक संजय लीला बंसाली थे और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 1997 में आई थी। फिल्म का नाम था गुलाम मुस्तफ़ा। इस फिल्म के निर्देशक पार्थ घोष थे और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म भी 1997 में आई थी। फिल्म का नाम था यशवंत। इस फिल्म के निर्देशक अनिल मट्टू थे और फिल्म सेमी हिट थी।
अगली फिल्म 1998 में आई थी, फिल्म का नाम था युग पुरुष, इसके निर्देशक पार्थ घोष थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1998 में ही आई थी, फिल्म का नाम था वजूद, इसके निर्देशक एन चंद्रा थे और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 1999 में आई थी, फिल्म का नाम था हूतू तू और फिल्म के निर्देशक गुलजार थे और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म भी 1999 में आई थी, फिल्म का नाम था कोहराम, इसके निर्देशक मेहुल कुमार थे और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 2000 में आई थी, फिल्म का नाम था गैंग, इस फिल्म के निर्देशक मजर खान थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 2000 में ही आई थी और फिल्म का नाम था युग पुरुष, इस फिल्म के निर्देशक इस्माइल श्रॉफ थे और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 2002 में आई थी, फिल्म का नाम था वध, इसके निर्देशक राज भरत थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2002 में आई थी, फिल्म का नाम था शक्ति, इसके निर्देशक कृष्णा बामसी थे और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी, फिल्म का नाम था भूत, इसके निर्देशक राम गोपाल वर्मा थे और फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी, फिल्म का नाम था डरना मना है, इस फिल्म के निर्देशक प्रवल रमन थे और फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 2003 में ही आई थी, फिल्म का नाम था आंच, इस फिल्म के निर्देशक राजेश कुमार सिंह थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 2003 में आई थी, फिल्म का नाम था अब तक छप्पन, इस फिल्म के निर्देशक रिमित आमीन थे और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 2005 में आई थी, फिल्म का नाम था अपहरण, इस फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा थे और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म भी 2005 में आई थी, फिल्म का नाम था ब्लफ मास्टर, इस फिल्म के निर्देशक रोहन सिप्पी थे और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 2006 में आई थी, फिल्म का नाम था टैक्सी नंबर 911, इस फिल्म के निर्देशक मिलन लुथरिया थे और फिल्म हिट थी। अगली फिल्म 2007 में आई थी, फिल्म का नाम था हैट्रिक, इस फिल्म के निर्देशक मिलन लुथरिया थे और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म भी 2007 में आई थी, फिल्म का नाम था 10 कहानियां, इस फिल्म के 6 निर्देशक थे जिनका नाम था मेघना गुलजार, अपूर्व लाखिया, जसमीत दोदी, संजय गुप्ता, रोहित रॉय और हंसल मेहता। फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 2007 में आई थी, फिल्म का नाम था वेलकम, इसके निर्देशक अनीस बजमी थे और फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म भी 2007 में आई थी, फिल्म का नाम था यात्रा, इस फिल्म के निर्देशक गौतम घोष थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2008 में आई थी, फिल्म का नाम था एक, द पावर ऑफ वन, इस फिल्म के निर्देशक संगीत सिवान थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2010 में आई थी, फिल्म का नाम था पाठशाला, इस फिल्म के निर्देशक मिलिंद डक्के थे और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म भी 2010 में आई थी, फिल्म का नाम था राजनीति, इस फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा थे और फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म भी 2010 में ही आई थी, फिल्म का नाम था तुम मिलो तो सही, फिल्म के निर्देशक कबीर सदानंद थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2011 में आई थी, फिल्म का नाम था शागिर्द, इस फिल्म के निर्देशक त्रिमांशु धूलिया थे, फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2012 में आई थी, फिल्म का नाम था कमाल धमाल माला माल, इस फिल्म के निर्देशक प्रिया दर्शन थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2013 में आई थी, फिल्म का नाम था द अटैक ऑफ शब्बी 11, फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा थे और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म 2015 में आई थी, फिल्म का नाम था अब तक छप्पन 2, फिल्म के निर्देशक एजाज गुलाब थे और फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म भी 2015 में आई थी, फिल्म का नाम था वेलकम बैक, इस फिल्म के निर्देशक अनीस अबजमी थे और फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 2016 में आई थी, फिल्म का नाम था फाइनल कट ऑफ डायरेक्टर, फिल्म के निर्देशक भारती राजा थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2017 में आई थी, फिल्म का नाम था वेडिंग एनिवर्सरी, इस फिल्म के निर्देशक शेखर एस झा थे और फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म भी 2017 में ही आई थी, फिल्म का नाम था गोलमाल अगेन, इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी थे और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। दोस्तों ये थी जानकारी नाना पाटेकर की फिल्मों के बारे में, जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।